राजा तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, उसको क्या डरिए जिसने छाया स्वामी सभी का रख वाला है, उसको क्या डरिए जिसने छाया है तेरी। जय जय तारा जय जय तारा जी हाँ पुण्यशाली, सभी मंच पर जो भी बैठे हैं, सभी पुण्यशाली और जो भी साइड में खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है नीचे बैठ जाइएगा। सभी भाग्यशाली से निवेदन है, जिस पल का जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे, इस पावनकारी धर्म धरा पर महामंगलमय अद्भुत रूप से नूतन वर्ष की महामांगलिक हमारे जीवन में एक आनंददायी बने। देखिएगा पुण्यशाली जो भी पीछे खड़े हैं, आप बीच में जो भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन, यथास्थान आप नीचे बैठ जाइएगा। साइड में जो भी खड़े हैं पुण्यशाली, समस्त भैरव भक्तों को, समस्त प्रभु भक्तों को, गुरु भक्तों को आज की महामांगलिक का श्रवण का सुंदर से सुंदर भक्तिमय लाभ मिले पुण्यशाली। एक हाथ जोड़कर निवेदन है, जब तक गुरुदेव का यही कहना, जब तक भक्त नहीं बैठेंगे तब तक महामांगलिक प्रारंभ नहीं होगी पुण्यशाली। इसलिए सभी नीचे बैठते हुए जहां जिनको जगह मिले आज छोड़ देना, दादा की मिट्टी मिल जाए ये अपने आप में नसीब समझना पुण्यशाली। सभी से निवेदन यथास्थान नीचे बैठ जाइएगा, इधर से भी नीचे, सब नीचे बैठ जाइए। क्या बात है, वारे वाह वारे वाह, ऐसे होते हैं भैरव भक्त, कहते ही मान जाए हैं वो होते हैं भैरव भक्त। क्या बात है, वारे वाह, इन भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा नीचे। वारे वाह वारे वाह, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जी हां, आज का ये अद्भुत मेवा नगर की पावनकारी धर्म धरा पर बीच में पुण्यशाली जो भी खड़े हैं, देखिए पीछे पांडाल तक, पीछे जो भी पुण्यशाली खड़े हैं सभी से निवेदन यथास्थान नीचे बैठे। पीछे आपके जो आप बीच में खड़े हैं और पीछे भाग्यशाली बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा पांडाल आज इस मेवा नगर की पावनकारी धर्म धरा पर पूरा भरा हुआ है पुण्यशाली। हजारों की जनमेदनीय में एक ऐतिहासिक भव्याति भव्य नूतन वर्ष 2020 जो हमारे बीच में अब कुछ ही समय के बाद आने वाला है, वह नूतन वर्ष की महामांगलिक में जो भी मंच पर यहां विराजमान है, सभी पुण्यशालियों से निवेदन है मंच को आप खाली कर दें। जी हां, मंच को बिल्कुल नीचे मैं निवेदन करूंगा पुण्यशाली। आज का ये अद्भुत भक्ति के साथ नाकोड़ा की पावनकारी धर्म धरा पर भक्तिमय ये माहौल जो सजा हुआ है, नाकोड़ा तीर्थ के समस्त दृष्टिगणों से मैं निवेदन करूंगा पुण्यशाली आप मंच पर पधारे। ये सुंदरमय भक्ति और भावना भाते हुए पूज्य हमारे गुरुदेव चंद्रसेन गुरु जी भी पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूं। चंद्रशेखर जी जसोल वाले हमारे ट्रस्टी महोदय चंद्रशेखर जी साहब छाजेड़ जसोल वाले, आपसे निवेदन है मंच पर पधारिएगा। हमारे पूर्व नाकोड़ा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान साहब प्रकाश जी वडेरा साहब, आप भी मंच पर पधारिएगा। हमारे पुण्यशाली श्रीमान साहब अमृतलाल जी साहब छाजेड़, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर पधारिएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रस्ट मंडल जैन सीतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ मेवानगर, हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान साहब माननीय रमेश जी मुथा साहब, हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान साहब गणपतलाल जी साहब चौधरी,
हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सा अशोक कुमार जी साहब चोपड़ा, जिन्होंने आज सुंदर से सुंदर प्रभु भक्ति और भैरव भक्ति करने का सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया। साथ साथ हमारे अशोक कुमार जी साहब चौहान, ज्ञानचंद जी साहब, हमारे चंद्र प्रकाश जी साहब मेहता, हमारे ट्रस्टी महोदय में चंद्रशेखर जी साहब छाजेड़, श्रीमान शाह छगनलाल जी साहब बोथरा, श्रीमान शाह गजेंद्र कुमार जी साहब सकलेचा, श्रीमान शाह हंसराज जी कोटड़िया, श्रीमान शाह हुलास जी बापना, श्रीमान शाह हिराज चंद जी बागरेचा, श्रीमान शाह जतनदास जी साहब कोठारी, जामनराज जी साहब मेहता, जिनेन्द्र जी कुमार जी कैलाश जी, हमारे कमलेश कुमार जी सकलेचा, श्रीमान शाह प्रकाश जी वडेरा साहब, श्रीमान शाह रतन जी साहब रतनलाल जी साहब वडेरा, रमेश जी धारीवाल, सुमेर मल जी साहब बापना, सुरेश कुमार जी साहब शाह, तेजराज साहब गोलेचा और ज्ञानी राम जी साहब मालू। आप समस्त ट्रस्टों के लिए एक बार, ट्रस्ट मंडल के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए अनुरोध करें और समस्त ट्रस्ट मंडल से निवेदन करूंगा यहाँ मंच पर पधारिएगा। जी हाँ, गुरुदेव विशेष पुण्यशाली समस्त भक्तों को बोल रहे हैं, दोनों हाथ अपने ऊपर करते हुए, सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए पुण्यशाली जो भी खड़े हैं इधर आप नीचे बैठ जाइएगा, पुण्यशाली सभी भक्तों को लाभ मिले, भैरव प्रसादी महामांगलिक रूपी प्रसादी आज गुरुदेव मेवा नगर पर वितरित करने वाले हैं पुण्यशाली। पीछे से दोनों हाथ ऊपर, अरे मेरे प्रभु और बड़े सुपर हैं और झोलियां उन्हीं की भरेगी जिनके आज दोनों हाथ ऊपर हैं। भक्ति की ये रात है, डरने की क्या बात है, भक्ति का ले लो मजा, भैरव जी का साथ है। भैरव संग रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैच करोगे। अरे ये राजस्थान है, क्या है राजस्थान, या मैंने लोगों को गोबर थापते देखा है, ऐसे थापोगे तो अगले जन्म में भैरव जी कहेंगे कि तू मेरी भक्ति करने लायक नहीं है, तू गोबर थापने लायक है, जा गोबर थाप। दोनों हाथ सीधे ऊंचे करो, एकदम स्ट्रेट, एकदम मस्त, ऐसे होना चाहिए। दो दो बहने हाथ ऊंचा नहीं करती है, उसको लगे कि अगले जन्म में हिंजड़ी बन के ऊंचाऊंगी, अब क्या ऊंचाना। हाँ, अब ऐसी ताली बजाओ कि भैरव तक पहुंच जाए। गा 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 रे गा रे गा रे गा 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 रे गा रे गा 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 रे गा रे गा 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 रे गा रे गा। अब देखो आपको बोलना है एक बार जोर से, भैरव संग रहूंगा तो ऐश करूंगा, बोलो। ऐसे तो क्या ऐश करोगे, चवन्नी का ऐश करोगे इस आवाज में, तो ऐश तो ऐसे आज कुछ ऐसा देने वाला हूं, दो चमत्कार दिखाऊंगा, ऐसा चमत्कार जो जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, दो सिद्धि दिखाऊंगा ऐसा जो कभी नहीं दिखा होगा। साधकों की सिद्धि को आपने कभी पहचाना नहीं होगा, आज जब पहचानोगे, जब भैरव जी की कृपा का समझ आपको पड़ेगा, आज रात में इतनी ठंड में भी बैठे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, तो कौन कौन अब ये दो हाथ सीधा करेंगे। मैं एक योग क्रिया सिखाने वाला हूं, ये जो ऊपर कट गए, अंदर घुस गए, बाहर आ गए, क्योंकि ये तीर्थ भरा पड़ा है अब भक्तों की टोले से। अब पहले धीरे से हाथ जोड़ो, बोलो पार्श्वनाथाय नमः, फिर खोलो, बोलो 24 तीर्थंकराय नमः, खोलो गणधर गौतम स्वामी ने नमः, खोलो भैरवाय नमः, खोलो पद्मावत्यै नमः, खोलो गुरुदेव। अरे शांति रख गुरुदेव के, तो दुनिया ताली बजाती है, शांत रख। अब देखो जो धीरे धीरे खोले ना, इसी योग क्रिया को अब फुल फास्ट में करना है, इतने जोर से के देखते रह जाए दुनिया, ऐसी योग क्रिया।
तेरू संग रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे कैच करोगे, तेरू संग रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे कैच करोगे। हाथ ऊपर कर ले कर ले कर ले ताली बजा ले बजा ले रे, हाथ ऊपर कर ले कर ले कर ले ताली बजा ले रे। चलो थोड़ा तो गर्माहट हुई कि नहीं। मैंने गली में एक हिंजड़ी को 5 रुपये मांगते देखा, कितना? मैंने भैरू जी को पूछा कि भैरू जी इसका ये हाल क्यों, बिचारी ये यूं बार हाई हाई करती घूम रही है। तो भैरू जी ने कहा नाकोड़ा भी आया हो, तेरा भी सानिध्य मिला हो, भैरू की भी कृपा मिली हो, फिर भी जो ताली नहीं बजाता है वही अगले जन्म में गली में 10 रुपये के लिए ताली बजाता है। अब कहां ताली बजाना तुम ही देख लो, मैं तो ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं क्योंकि ज्यादा बोलो लेना देना हो जाए। और मैंने सेठ छगन मल को देखा अभी चेन्नई में 200 करोड़ के लिए हाथ उठा दिया, क्या किया? और गली में लोग उनको कहें कि देवालिया आ गया देवालिया आ गया। मैंने पूछा कि भाई इतने बड़े सेठ देवालिया कैसे हुए? भैरू जी कहें कि कितने भी बड़े सेठ हो मेरी भक्ति में जो हाथ नहीं उठाएगा वो गली में हाथ उठा के ही रहेगा, फिर वो देवालिया बनेगा। जो यहां भक्ति कर लेगा कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरे देर के दर पे जो भी आया भक्ति करने वो पल में ही पल में निहाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और भैरू जी ने ये भी कहा है कि गुपचुप बैठ के भक्ति करो, कोई बीच में उठ के डिस्टर्ब करे खड़े हो जाए उनकी खटिया खड़ा कर देंगे भैरू जी, इसलिए बैठे बैठे शांति से भक्ति करना है। अब कितने लोग आज की मांगलिक में चमत्कार देखना चाहते हैं वो सब हाथ ऊंचा करूं। ठीक है, अद्भुत चमत्कार। हाँ गुरुदेव आपका, हमारे ट्रस्टी मंडल के लिए एक बार ताली बजाओ, बाद में बाकी की बात, क्योंकि ट्रस्टियों के बेटों की बेटी की शादी भी होना बाकी है। इधर पारस चैनल में ही डायरेक्ट लाइव हो रहा है तो ट्रस्टियों का यहीं से सिलेक्शन हो रहा है, बेटे का सिलेक्शन तो घर में हो जाएगा। तो अब हम इस कार्यक्रम को मंत्रों से शुरू करने के पहले एक भक्ति से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे पावन तीर्थ में बैठे हैं। इरादे तो लख बनते हैं बुरु बन के बिगड़ जाते हैं, भाग्यशाली तो नए वर्ष मनाने ना कोड़ाते हैं, बाकी घर में पड़े रह जाते हैं। इरादे हाथ इनके सामने फैलाने वाला चाहिए, भैरू जी को पाने वाला चाहिए, क्या नहीं देता ये भैरू इसके सामने लेने वाला चाहिए। भाई दो मॉनिटर काम नहीं करे, एक दो काम करे, दो काम नहीं करे, पेमेंट भी आधा कर दें तो मजा आ जाए। चलो अब आप लोग भैरू जी को कौन कौन अभी मांगलिक में आंख बंद करते ही दर्शन करना चाहते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। ट्रस्टियों को थक जाएंगे ऐसे खड़े खड़े, थोड़ी देर बाद हम इनका परिचय कराएंगे, जब तक थोड़ा मेरे पास बैठा दें तो कितना आनंद आए। नाकोड़ा के ट्रस्ट में एक बंदारन है, ट्रस्टी धर्मात्मा हो संस्कारी हो वो तो है, 100 किलो के ऊपर हो उन्हीं को ट्रस्टी बनाया जाता है, उससे कम कोई भी हो वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। बड़े रजा
बहुत सुंदर समस्त ट्रस्ट मंडल आज सौभाग्य है नाकोड़ा का ट्रस्ट मंडल गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद दे रहा है कि गुरुदेव ताली बजाओ। स्टेज पर कोई भी आवे ने तो ताली बजा देना, ये एक ध्यान रखना। इससे क्या फायदा होगा महाराज साहब, कभी तुमको भी स्टेज में खड़ने का मौका मिल जाएगा, ये फायदा होगा। तो अब ये बच्चे क्यों खड़े हैं, कवारे हैं इसलिए खड़े हैं, बेटा बैठ जा, फिर नीचे देखेगा तो गायब भी रहेगा सब, फिर शादी क्या करेगा, क्या होगा, बैठ शांति से। अभी ऐसे करोगे, देखो मैंने एक योग क्रिया सिखाया, मैं बोलू कि ताली बजाओ सस्ता लगेगा आपको, इसलिए मैं ताली नहीं बोलता, मैं योग क्रिया बोल देता हूं। अरे वो करेंगे ना भाई, मैं थोड़ा यहां गर्मा गर्म कर रहा हूं, देखो हमारे सेठों के सेठ आ गए हैं, ताली बजाओ जोर से। कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के, अभी सेठों के सेठ किसको बोलते हैं, जिसके पास कोष हो वही सेठों का सेठ है, नहीं तो काई के सेठ, जो अंदर घुस के ठंड में बैठी है, इन बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ जी हाँ। आप लोग ताली बजा रहे हो कि गोबर थाप रहे हो? देखो आज की मांगलिक में आप सबको जाते समय एक प्रभावना दी जाएगी, क्या प्रभावना, आयोडेक्स बॉम्ब, अगर हाथ दुख भी लें तो लगा लेना, लेकिन अब ताली बजाने में कंजूसी मत करना, क्यों सुन लो बात मेरी पूरी सुनो, रात्रि का टाइम आ रहा है नींद आ सकता है, खुद के हाथ से खुद ही ताली बजाते रहोगे नींद नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, आसपास मच्छर आवे, जैन तीर्थ में बैठे हैं, जैन है मच्छर मारेंगे शोभा देगा, ताली बजाते रहोगे मच्छर ही नजदीक नहीं आएगा, नंबर टू। नंबर थ्री, ताली बजाने से 72,000 नाड़ियों का कुप्रेशर होगा, कभी लकवा नहीं आएगा, कभी टाइफाइड नहीं आएगा, कभी मलेरिया नहीं आएगा। चौथी बात, भैरव भक्ति में ताली बजाने हाथ उठाओगे, भैरव जी देखेंगे कि किसने हाथ उठाया, अभी जो आपकी रेखा यहाँ मेवा नगर से बालोत्रा भी नहीं पहुंच रहा है, ताली मस्ती से बजा लोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचने का आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा ढंग से बजाओगे, इन सैतानी मॉनिटरों का थोड़ा आवाज बढ़ा, कौन सा बंद है कौन सा खुला है, देख कौन है चलाने वाला, तू कहाँ इशारा कर रहा है, तेरे पास ही है पुर्जे, उधर कहाँ इशारा कर रहा है, पड़ोसी का रेडियो ऑन करा देगा तू। चलो अब शुरू करें, कौन कौन मांगलिक सुनना चाहते हैं, चलो मैं क्या करने वाला हूं बताऊंगा, आज एक मजेदार चीज हम करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा भैरू जी को और पार्श्वनाथ को याद तो कर ले थोड़ी देर में। हैप्पी न्यू ईयर, हेलो माय डियर, हेलो माय नियर, हेलो माय डियर। देखो कोई होटल में गया है पार्टी करने, वो आदम है, कोई घर में बैठा है कि मैं टीवी में ही देख लूं महाराज साहब का मांगलिक, वो मध्यम है, जो डायरेक्ट नाकोड़ा पहुंच गया वही उत्तम है जो यहां पहुंच गया। हेलो माय डियर, हेलो माय नियर, हेलो माय डियर, हेलो माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी अभी गा ले, देखो शादी के होने के पहले ही कुछ लड़कियां पेट फेरती है कि गर्भिणी हुई कि नहीं, देखने ऐसे न्यू ईयर आया ही नहीं ना, पहले ही गीत गाएं तो क्या चलेगा, अभी तो जब थोड़ी देर में 2020 क्या आएगा, 2020 मैच शुरू होने वाला है 2020। हाँ अच्छे बराबर दब के बैठोगे तो ठंडी भी नहीं लगेगी, वो भी फायदा है, इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छे से आगे बैठो, पीछे बहुत लोग जिनको दिखता नहीं दर्शन नहीं हो रहा है बैठे हैं। तो अब हम शुरू करें, एक बार हाथ जोड़ो अच्छे से बेटा, हाथ जोड़ो बेटा, ए भाई हाथ जोड़ो, हाँ ऐसे देख एकदम पास बैठा है और कान नहीं सुने तो मुश्किल पड़ जाए, हाँ पत्नियां इसीलिए भागती है, कहना नहीं माने, हाँ जो गुरु का ही कहना नहीं मानता वो पत्नी का क्या मानता होगा, हाँ इसलिए हाथ जोड़ के। जितने भी खड़े हैं हमारे दीपक भाई सहित सब आके बैठ जाएंगे यथास्थान, कोई नहीं खड़ा रहेगा, पीछे का सीडी एलसीडी दिखे सब बैठ जाएंगे और अच्छे से, भले ही संजय भाई जोशी हो कोई हो अच्छे से बैठे, नहीं तो लोग सोचेंगे कि रामदेव बाबा आ गए कुछ योग क्रिया सिखा रहे हैं, आपको देखने लगेंगे मेरा क्या होगा, बैठ जाओ। एक
एक रे पार्श्वनाथ भैरव दे नमो 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 विघ्नहर्ता त्रिशूलधारी नमो डमरुधारे नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता त्रिशूलधारी नमो डमरुधारी ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी है तुम्हारे नमो 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 ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल ये चलती हवा है महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल तो नित्यम अनुपम सदा सत्य रूपम नमो प्रेम रूपम नमो विश्व रूपम नमो 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 अफसल तू ही सबसे आला तेरे ही दम पे जहां में उजाला तू ही सबसे अफसल तू ही सबसे आला तेरे ही दम पे जहां में उजाला जमीनों पलक चांद सूरज सितारे हर एक जर्बे में है जल में तुम्हारे नमो 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 दिगंबर निरोले भैरव देवा अनादि अनंता महाकाल काले दिगंबर निरोले भैरव देवा अनादि अनंता नमो सृष्टि रूपम नमो वृष्टि रूपम नमो जल स्वरूपम नमो पृथ्वी रूपम नमो 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 लगता है ये सब खाली हाथ जाने के लिए आए हैं।
जो ले जाने आया होगा, कितने लोग इसमें जीवन में एक बार घोड़े घोड़े पर चढ़े हुए कितने लोग हैं, वो हाथ ऊंचा करें। अरे मूर्खों, जब घोड़े पर चढ़ के गए थे तब ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ कैसे माला लेके ऐसे गया जैसे ब्रूस ली जाता है। अरे उसको लेने गया तब भी ब्रूस ली की तरह गया है, तो भैरव को लेना है तो जैकी चैन बनना ही पड़ता है, उसके बदले भैरव आता नहीं है। ऐसे मरे हुए मुर्दों में कई तो भैरव आएगा ना, कई तो भक्ति होगी। मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े में, मेरे को तो आधे लोगों की पत्नियां भाग गई लगता है, क्यों इनके ढंग रंग से कोई पत्नी घर में टिकने वाली नहीं दिखी, चेहरे में ही नहीं दिख रहा है दम। यहां नहीं बजाओगे ताली, गली में बजाओगे। देखो यहां बजा लोगे तो वो झोली भर के देगा, गली में बजा लोगे तो भिखारी समझ के कोई 5 रुपया डाल के चले जाएगा। अब कहां बजवाना है, क्योंकि मैं मुर्दों में भक्ति कराता ही नहीं हूं। मैं जो कई लोग बोलते हैं कि मुर्दों में आओ भक्ति करो, अरे भक्ति वहां होती है जहां जिंदा दिल होता है। मुर्दों में तो मुर्दे ही भक्ति करेंगे, जिंदा आदमी मुर्दों का क्या भक्ति कराएगा। अब ऐसे ये देखो, ये मरे हुए मुर्दों को लाके सामने ही बैठाया, पूरा एकदम फ्रंट में बैठाया। तो इतनी देर से यहां है, खड़ा है, तुझे ध्यान नहीं कि भक्ति में आगे किसको बैठाना, तुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं है तेरे को, हा? अब इनको तू जिंदा करके दिखा, मेरे को पता नहीं। दोनों हाथ ऊपर कर दे। अरे आज ही महा मांगलिक जयकारी लगा लेना, आज ही महा मांगलिक जयकारी लगा लेना। ओ भैया जी थोड़ी ताली बजा देना, ओ भैया जी थोड़ी ताली बजा लेना। तुम लोगों को लगे कि वो अंदर घुस गए, 2-5 हजार लोग तो उसके बिलवाड़ों में ही घुसे हुए हैं, तुमको लगे कि कितने आराम से घुसे, ठंड नहीं लग रही है। उनके ऊपर छत लगा है, भैरव जी का आशीर्वाद आने में बीच में छत उनको आड़ा रोक रहा है, जो डायरेक्ट सामने बैठे आकाश से डायरेक्ट आशीर्वाद लेने वाले हैं। ओ भैया जी थोड़ी ताली बजा लेना, गिरी के गुरुवर प्यारे आए हैं मेवा नगर, गिरी के गुरुवर प्यारे आए हैं मेवा नगर। तन वर्ष की महामालिक सुनाने को, तन वर्ष की यदि महामालिक सुनिए तो हाथ पर कर दो। अभी आज कुछ अलग ही होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। क्या होगा महाराज साहब? अवतारों में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आपको लगता होगा कि कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, गलत फहमी है तो निकालना चाहता हूं। मनुष्यों के रूप में आए हुओं में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। देवों में तो भैरव सदा पूर्ण अवतार है, 16 कला युक्त है, ध्यान रखना। आज भैरव की शरीर में 16 कलाएं क्या क्या है, हर कला में क्या सिद्धि है, उस कला से उस सिद्धि को लेके आप में डालूंगा। ऐसी 16 सिद्धियों को मेरे मूलाधार चक्र से लेके नए साल में ऐसे आपको डालूंगा। अगले साल वापस यहां आओ, जब तक लीला ने लेर नहीं हो जाए तो मैं होगा छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी है। जय कारा गुरुदेव का। अब ऐसी 16 कलाएं क्या क्या है मरा साहब, और भैरव के शरीर में 16 कला है, हमको तो पता तक नहीं, हम खाली भैरव भैरव करते आए, आधे मुर्दे यहां लटक रहे हैं। हाँ ऐसा रहेगा बेटा तो जिंदगी भर कवारा रहेगा। मेरे बच्चे कहां से आया मेरे बेटा, तेरी माँ कहां है, थोड़ा बुला उसको, समझा दूं कि तुझे कैसे संभालना। हाँ थोड़ी कच्ची घी खिलाती होगी, थोड़ा गर्म करके खिलाना पड़ेगा तेरे को, ठंडा बहुत है तू, ऐसे ठंडों में कैसे मैं जाके कुछ करूं।
मेरे बाल धोले हो गए लेकिन आज तक भक्ति धोली नहीं हुई है, भक्ति तो मेरी काली है। और तेरे तो अभी जवानी में जोश उड़ रहे हैं, क्या होगा हाँ? आगे से हमको अगले मांगलिक में ऐसा जहां भी मांगलिक हो आगे ध्यान रखना अपने को कि जो भक्ति करने दिखे उनको टोकन दे के आगे बैठाएं, ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं भक्ति सिखा दूंगा बाद में, तो क्या होगा। जय कारा गुरुदेव का। आपको कौन किस किस को पावर लेना है, पावर स्टेशन बनना है? चलो पहली बार इसने हाथ उठाया। घर में सोगन देके भेजा मैं, कहीं लोग हाथ नहीं ऊंचाते तो मैं सोचता हूं कि भक्ति कौन नहीं करें, बाद में धीरे से आके बोलता है कि घर में सोगन लेके आया क्या, तेरे सिवाय किसी की बात नहीं मानूंगा, इसलिए ढीले बैठे रहते हैं। तो मेरे भाई अभी मैं पार्श्वनाथ भगवान के 108 नाम का मंत्र सुना रहा हूं पहले, क्योंकि यहां पर परमात्मा मालिक है। कौन है मालिक? जो मालिक को छोड़ देता है वो कहीं का नहीं रहता, इसलिए सबसे पहले परमात्मा को याद करेंगे, उसके बाद में आज एक संकल्प कराऊंगा आपसे। कहते हैं कि कृष्ण 10 अतिशयों में एक है कि अपर कंका में गमन करके प्रतिवासुदेव से युद्ध करके द्रौपदी को वापस ले आए। उस समय पांडवों को समझाते हैं कि तुम्हारा संकल्प कमजोर होने से ही तुम लोग हार गए, जिसका संकल्प पक्का नहीं हो उसका मांगलिक भी पक्का नहीं होगा। अभी कितने लोग यहां बैठे हो, आपके पास कोई 5 रुपए का सिक्का है या नहीं, बराबर जेब में थैलियों में सब चेक कर लो एक बार। जिसके पास 5 रुपया नहीं है वो सब हाथ ऊंचा करो कि मेरे पास 5 रुपया नहीं है, चेक कर लो, पहले चेक करो, पहले चेक करो, 5 है तो कहीं रह गया हो फिर गड़बड़ होगा, चेक कर लो है या नहीं, बाद में हाथ ऊंचाओ फिर बाद में कुछ गड़बड़ होगा। जिसके पास पक्का नहीं है वो हाथ ऊंचा करो, नहीं है ये हाथ नहीं है इसलिए ऊंचा रहे हैं कि पड़ोसी से लेने के लिए ऊंचा रहे हैं? नहीं है इसलिए। तो अभी इस मांगलिक के पहले देखो, सुन लो बराबर जितने बैठे हो, मांगलिक पूरा होगा जब तक इस मंत्र शक्तियों से इसमें बैठे हुए 10 लोगों के जेब में 5 के सिक्के आ जाएंगे जो भैरव का दिया हुआ होगा। जय गुरुदेव। वो अभी हम देखेंगे यहीं से कौन सा गांव का है कौन है। और दूसरा 108 लोग ऐसे होंगे इसमें जो श्रद्धा से इस भक्ति में मांगलिक सुन रहे हैं, घर जाते ही दरवाजे पर सामने ही 5 का सिक्का पड़ा मिलेगा, घर पर पहुंच जाएगा कुरियर द्वारा। 108 लोग ऐसे होंगे जी गुरुदेव जिनका काम मिलेगा घर पे। अभी कौन यहीं पाना चाहता है, कौन कम से कम घर पे पाना चाहता है, वो कहीं नहीं पाना है, वो कौन कौन है वो हाथ ऊंचा करें। तो जिसने 5 का सिक्का नहीं है चेक कर लिया, वैसे कौन है हाथ ऊंचा करो भाई, हमारे पास नहीं है, अच्छे से चेक कर लिया हाँ, तो उन्हीं को मिलेगा जो पहले है नहीं, हाथ में भी मिल सकता, हाथ में भी आ जाएगा, जेब में आ सकता है, पर्स में आ सकता है, थैली में आ सकता है, ऊपर से गिर सकता है, इस अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। किसको देखना है ये चमत्कार? और 108 लोग कौन होंगे जिनके फ्रिज पर अलमारी में घर में कहीं भी जाते ही 5 रुपया मिलेगा, वो संदेश कैसे देंगे मुझे कि हमको मिला, वो कैसे मालूम पड़ेगा हाँ? ठीक है अभी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहनों बहनों के होश उड़ गए, जो सामने बैठे हैं उनको ही मिले के साइड में घुस गए उनको भी मिलना चाहिए, वो सब आके आपके सिर पर बैठ जाएगी सामने हाँ। जो होटलों के अंदर घुसी हुई बहनों एक बार ताली बजा के बताओ जोर से, अच्छा हाथ ऊंचा के बजाओ। अरे पूर्व जन्म में तुम लोग मेरी मां थी, इसके लिए तो भी अच्छे से बजाओ ढंग से।
ऊपर देखो उनके ऊपर शैतान बैठे हुए हैं, क्योंकि शैतान ताली नहीं बजा सकता। शैतान भक्ति के नाम से ही भागेगा कि ताली बजाएगा? तो ये भक्ति के नाम से कतरा रहे हैं तो ये भगत होंगे कि शैतान होंगे? एक बार ढंग से ताली बजाओ शैतानों, अब भगत बन गए, अब मामला ठीक। अब इस तरफ अंदर घुसे हुए लास्ट तक वो सब ताली बजाओ खड़े हुए। गुरु की निगाह पड़ना निश्चित रूप से भगत होना है। अरे उन पर खास निगाह पड़ना है, जिंदगी भर खड़े हैं जी गुरु। चलो अब शुरू करें, क्योंकि अभी समय नजदीक आ गया 12 बजे। हमको इस साल को ऐसे मनाना है कि अगले साल कहीं मौका पड़े, मेरा कहीं मांगलिक हो, आपको आना पड़े, तो आप बोलना है मुझे कमाल हो गया जी। मना हाँ, अब सिक्के कोई ऊपर से नीचे गिरे ध्यान रखते रहना, आकाश से ही गिरेगा, जेब में भी घुसेगा। किसके जेब से मिलेगा? जो भैरव का पक्का चेला हो। अब चेला बनना जरूरी है, सिक्का ढूंढना जरूरी नहीं है। चेला बन जाओगे तो सिक्का अपने आप। जी हाँ। और ये तो साक्षात अभी हाल ही में, अभी देखो राजगढ़ में मैंने 300 सिक्के बरसाए हैं जी गुरुदेव, और जावरा में भगवान का दीक्षा कल्याणक था, जैसे ही मांगलिक चालू हुआ पूरा छत से कंप्लीट केसर बरसने लगा। कौन थे वहां जावरा में, कौन थे? अरे देखो ये जावरा वाले आगे ऐसा केसर छत से बरसा के दुनिया देखती रह गई। और दाहोद में बरसा कुंकु वास्केप और सिक्कों की बरसा जोरदार। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए पुलिस साहब, ये सब ये 10 दिन में 4 मांगलिक हुए हैं। अब ये इस साल का अंतिम मांगलिक है, अब अगला मांगलिक दूंगा तो 2020 में ही देना पड़ेगा। इसलिए अभी देना है। कितने लोगों को आंख दुखता है, कितने लोगों को कमर दुखता है, कितने लोगों को पेट दुखता है, कितने लोगों को पैर दुखता है, कितने लोगों को सिर से पैर तक दुखता है? वंडरफुल रे बेटा, कोई तेरा जगह बाकी नहीं जो नहीं दुखे। तो इसी मांगलिक में इन सबको निवृत्त करके अभी यहां से निरोगी जाना कौन चाहता है? अभी ये भी चमत्कार होगा, करीब 200 लोग कम से कम यहां से निरोगी होंगे। अभी देखो राजगढ़ में 25 साल से अपंगा लड़का बिल्कुल हाथ ऐसा भी नहीं खोल सकता, तो उठाना तो दूर की बात। क्या नाम था बेटा उसका? बर्फा। हाँ, तो वो लड़का जैसे ही मांगलिक पूरा हुआ, जिसके हाथ ऐसे थे जन्म से, 25 साल का हो गया, दुनिया भर के इलाज कर लिए 50 लाख का, वो जैसे ही मांगलिक पूरा हुआ राजगढ़ में दोनों हाथ ऊंचा करके ताली बजाने लगा जोर जोर से। और गुरुदेव जावरा में स्वाति बहन करके जावरा में जो चल नहीं पाती थी उनकी भी अपंगता थी, जब गुरुदेव का महामांगलिक हुआ वह चलकर अपने पिता के साथ 10 कदम चलते हुए वो आई और पिता के पास बैठी। ये साक्षात चमत्कार हमने अपने आंखों से देखा है। अब आप में कुछ ना कुछ तकलीफ है, बीमारी है, वो सब कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो। हे राम, पूरे बीमारियों का टोले को नाकोड़ा बुला दिया ट्रस्टियों ने। चलो अपनी बीमारी आज से जा रही है, इस खुशी में एक बार, पुराना साल भी जा रहा है ना, बीमारी भी जा रही है ना, दुख भी जा रहा है ना, संकट भी जा रहा है जी गुरुदेव। आज तो सब कुछ जाएगा गुरुदेव। आएगा क्या, क्या क्या जाएगा? मेरा रोग कटा, मेरा कष्ट मिटा, हर संकट भैरु ने दूर किया। मेरा रोग कटा, मेरा कष्ट मिटा, हर संकट भैरु ने दूर किया। भूले से कभी जो गुरूर किया, मेरे अभिमान को चूर किया। मेरे हर दम हुए सहाये, भटके को राह दिखाए। मेरे हर दम हुए सहाये, भटके को राह दिखाए। क्या
नाता बेरुने रचाई मैं कुछ भी समझ ना पाता रे इतना दिया मेरा भेरू मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरा भेरू मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी भेरू मेरा रोग कटा मेरा कष्ट मिटा हर संकट भैरू ने दूर किया भूले से कभी जो गुरूर किया मेरे अभिमान को चूर किया मेरे हरदम हुए सहाई बटके को राह दिखाए अब क्या क्या गया रोग मिटा कष्ट मिटा संकट दूर हुआ अब क्या क्या आया क्या क्या आया मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिला मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिला धन धान्य मिला प्यार मिला पैरू से मुझे इज्जत मिला मेरे हर दम हुए मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिला बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं गुरुदेव मुझे संतान का सुख है बहुत है चार चार बच्चे हैं मैं उनको पूछता हूँ तुझे संतान का सुख तो होगा संतान से सुख कितने लोगों को है वो देखने जैसा संतान का सुख तो बहुत है संतान से सुख हो जाए तब समझे के भैरू की कृपा ऐसे नालायक बच्चे होते हैं माँ बोलती है कि पूर्व दिशा में चल तो वो दक्षिण में ही चलने लगता है हाँ कितने लोग माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे बैठे हैं वो सब हाथ ऊंचा करें सगले ही आज्ञाकारी हैं हाँ सब आज्ञाकारी तुम्हारे माता पिता यहां होते तो डंडा लेके आते बेचारे है नहीं होते तो कह देते कि किता आज्ञाकारी मैं जानता हूं बाप जी इनके आज्ञा का रूप मुझे पता है हाँ चलो अभी शुरू करें तैयार हो एक बार दोनों हाथ स्ट्रेट खड़ा रहना सीधा एकदम चमाचम ऐसे हाँ अब ये चमाचम को एकदम धमाधम बजाना फिर मजा आए बोलो भैरू जी महाराज की जय 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 ध्यान रखना जवान लड़के जितने बैठे हैं लड़कियां बूढ़ी माए पारस चैनल में कार्यक्रम लाइव हो रहा है हो रहा है क्या भाई हो रहा है तो उसमें लाखों लोग देख रहे हैं कल यहीं कोई संबंधी बनने लड़की देने लड़का देने तुम्हारे घर रिश्ता करने आ जाएं और देखते ही समझ लें कि परसों यही पारस चैनल में मुंह चिड़ा के बैठा था और कहने लगे कि लाखों लोग देखे उस टीवी में ही हंस नहीं रहा था तो मेरी बेटी को कहां हंसाएगा इसके घर में रिश्ता नहीं करना सावधान रह जाना एक बार अपनी बत्तीसी का दर्शन कराओ कैसे कराते हो क्योंकि अंधेरा भी थोड़ा है दांत पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो उजाला भी आएगा रात भी दिन हो जाएगा और साथ में ये दांत जो है गली में दिखाने नहीं है जो ईश्वर के दरबार में खुश होता है उसको संसार में किसी को खुश करने गुलाम बनने की नौबत नहीं आती वो सदा खुश रहता है इसलिए हंसना तो पहले प्रभु दरबार में हंसो मजा ऐसा आएगा देखो कहां कहां खड़े हैं कहां कहां घुसे हैं अच्छा हुआ कि हमने शिखरों पर सीढ़ी नहीं रखी नहीं तो उधर भी जाके बैठ जाते ये लोग ये तो अच्छा है कि हम यहीं बैठे हैं अभी एक बार भैरव का नाम लेके फिर पार्श्वनाथ के मंत्रों से मांगलिक शुरू करने के पहले संकल्प करना है आज की तारीख पंचमी 4 बजे खत्म हो चुकी है अभी षष्ठी लग चुकी है सतबीसा नक्षत्र है जो कुंभ राशि का शनि को 40 लाख वर्ष तक भैरव जी ने शिक्षा दिया था शनि की कुंभ राशि की सतबीसा नक्षत्र भैरव का अति प्रिय नक्षत्र का योग चल रहा है ये मत समझना कि नया साल के लिए जुड़े हो आज भैरव को अति प्रिय योग है सतबीसा नक्षत्र युक्त कुंभ योग में षष्ठी का तिथि चल रहा है बहुत जबरदस्त समय है भैरव कृपा पाने का इसलिए अब ये कृपा को पाने के लिए एक बार कौन कौन दुख को यहीं छोड़ के सुखी होके जाना चाहते हैं दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए
स्वान सवारी करके भैरव आ गया हो। बदली जब जब मुझ पर चार गया स्वान सवारी करके भैरव आ गया वो आ गया वो आ गया वो आ गया मेरा भैरव की बदली जब जब मुझ पर सा गया स्वान सवारी करके भैरव आ गया। जब जब संकट छाया है भैरव ने मुझे बचाया है। जब जब संकट छाया है भैरव ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े भैरव ने रिश्ता निभाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े भैरव ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गया अपने गले से लगा गया वो आ गया वो आ गया वो आ गया मेरा भैरव दुख की बदले जब जब मुझ पर आ गया सवारी करके भैरव आ गया। आ तू बहन दोनों हाथ पकड़ कर दे वे। अबे किसी को लगे कि परसों अपने गुरु घर में मरा साहब को बुलाएंगे वहां घर में बैठ के भक्ति करेंगे क्या होने वाला है? नहीं गुरुदेव। ए मरा साहब घर घर जाने वाले जैसे दिख रहे हैं? नहीं गुरुदेव। तो अभी यहीं बजा लोगे ताली तो रेखा यहीं बदल जाएगी। ये जो अभी आपके हाथ में दरिद्र रेखा है इसको दुकान में बैठ के धन रेखा नहीं कर सकते क्योंकि दुकान तो जिंदगी भर बैठ के देख लिए कुछ नहीं हुआ। अगर इस दरिद्र रेखा को धन रेखा करना है तो भैरव भक्ति में इतना घिसो कि ये रेखा ही बदल जाए यहां से जाओ तो मजा आ जाए। जयकारा गुरुदेव का। हाँ ऐसी धन रेखा आए कि अपने अपने जितने लोग आए हो सब अपने अपने गांव के नगर सेठ बन के मजा लें ऐसा आए। देव की। अब मैं मंत्र बोलने से पहले कहते हैं कि देवताओं को कम से कम भाव पूजा तो करनी चाहिए। अभी रात का टाइम है असली पूजा नहीं कर सकते क्योंकि रात में पूजा होती नहीं लेकिन भाव पूजा तो 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं ना। इसलिए पहले मैं भैरव जी को 56 भोग लगा के भाव पूजा करके बाद में ही कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं। दोनों हाथ ऊपर करते हुए अब कौन कौन मेरे साथ भाव पूजा करेंगे? है मीठो है नमकीन है बेरु चर परो थोड़ो खाटू सोने की थाली में परोसूं डाल चांदी को भाटू भाटू अरे टाबरिया मनवार करे भैरू भैरू देखू थे कहीं नाटू भोग लगाओ भैरू जी ने अरे पूरा भक्तों में ले जाइने बांटो आवो आवो भैरू जी बाबो आवो भोग लगाओ 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहर थारा बालूया करे मनोहर आवो आवो भैरू जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहर जी थारा बालूया करे मनोहर जी उठ रहे उठ उठ खड़े उठो। हाँ तू ही नहीं तो क्या तेरी माँ को कड़ाऊंगा। अरे उठो क्या है तेरा नाम? राजा। हाँ राजा राजा वाह रे राजा वाह। अभी भैरू जी तेरे घर आएंगे तो तू क्या खिलाएगा? मिठाई 56 भोग। हाथ यूं यूं क्यों मल रहा है? क्या है वो चक्कर है? अच्छा मिठाई खिलाएगा राजा। एक बार हमारे राजा खाजा खिलावे। हाथ जोर से ताली बजाओ। तो भैरू जी को बैठ जा बेटा। कहां से आया तू? हाँ सरवाल। हाँ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सरवाड़ से।
अजमेर के सरवाड़ से आया है थोड़ा, अभी तेरे को मैं, तू मेरे कमरे में अलग से आएगा ना, मेरे शिष्य को बोल के एक विटामिन इंजेक्शन डला दूंगा तेरे को। हाँ, कोई विटामिन की शरीर में कमी दिख रही है, कुछ गड़बड़ है। केसरिया बर्फी काला कंदे रबड़ी बेड़ा इमारते बालू शाहे, केसरिया बर्फी काला कंदे रबड़ी बेड़ा इमारते बालू शाहे, लाडू बुंदिया चले भी रसगुल्ला मोती पाते रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर बाटा, गुलाब जामुन शक्कर बाटा के बरनिया राधा। अब ये राजस्थान में हमारे जसोल में चंद्रशेखर जी के घर में जाओ, कुछ भी खिलाएंगे तो घी डालेंगे उसमें। अरे वो पहले ही घी से बना है, तो भी राजस्थानी परंपरा है कि लोगों का मनवार करें। जीमो आवो घी वो रे डलावो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार रे, थारा कावरिया करे मनोहर रे, थारा कावरिया करे मनोहर रे। हाथ ऊपर भाई, तू ऊंट रहे मेरे बेटा, कहां से आया तू? मंत्री है तेरा नाम? राजा का इस साइड में मंत्री बैठता है। क्या है तेरा नाम? क्या? अर्पित। कहां से आया? चांद्रास। हाँ, संडास। क्या, कौन सा गांव? चांद्रास, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। चांद्रास। अच्छा भाई, मिठाई के बाद भैरू जी को क्या खिलाएगा? नमकीन, दाल मोटे पकौड़ी कचोरी भुजिया पापड़े चिबड़ो, दाल मोटे पकौड़ी कचोरी भुजिया पापड़े चिबड़ो, बड़ी रोटी संग संग दीजो, बाजरी को बेरू खींचो, रायता में जीरा को दर्दो, रायता में जीरा को दर्दो, पीतो मार सरको, रायता में जीरा को तड़को, पियो मार सबड़ को। अब इस ठंड में रायता पिला दिया भैरू जी को तो क्या होगा? बोला जोर से, गला खराब होगा कि नहीं रायते से? जी गुरु। तो ये 28वां भोग, देखो ये शास्त्रोक्त विधि है, कोई गाना नहीं गा रहा हूं, 56 भोग का लिस्ट है। 28वां भोग, एक अगर गला खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए क्या बताया? साग का चिरीरी चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार रे, तारा ठाकरिया करे मनोहर, तारा ठाकरिया करे मनोहर। हाथ ऊपर ये भाई देखो कैसे नाच रहे हैं, आप तो लगे के नाचने खड़े, नाचने नहीं, कैमरा वाले से 500 बाकी थी तो कैमरा तोड़ के वसूल करने के लिए खड़े हैं। हाँ, कैसे ही कैमरा तोड़ के ही बैठूंगा सोचे थे, लेकिन मेरी नजर से बैठ गए, नहीं तो कैमरा आज क्या होता, टूट जाता। और देखो ये कैमरा वाले तीन लोग हाथ ताली नहीं बजाते, एक बार तीनों ताली बजाओ जो कैमरा पर खड़े हो। ए, तीनों इसलिए नहीं बजा रहे, उनको मालूम नहीं कि इसीलिए वो 40 साल के होके भी कंवा रहे हैं। तीनों उल्टा चश्मा के पोपटलाल यही हैं तीनों। आम अमरूद अंगूर अनानास थनस में अनार दरिया, आम अमरूद अंगूर अनानास थनस में अनार दरिया, केला से को पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रखे लाल दरिया, काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो माकर किया, काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा। अब ये काकड़ी खीरा खा के फीका हो जाता है मुंह, तो 42वां भोग भैरव के मुंह में स्वाद वापस लाने के लिए शास्त्रों में बताया वो क्या भोग है?
नींबू खाटो है थोड़ो चने खावो जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार धारा ठपरिया करे मनोहर जी धारा बालूया करे मनोहर जी हाथ ऊपर होना बिल्कुल सीधा बेलू जी के भोग लग रहा दोनों हाथ पर कर दे अभी कोई बताएं कि 42 भोग पूरा हो गया तो कितना बाकी होगा हाँ ये बढ़िया आए रे भाई पूरे बढ़िया आ गए बादाम पिस्ता ने नोजा कुरुमानी ओ पूरा ने छुमार ले वो जिम झूठ ने अचमन करने टोटो सो आराम ले वो सोपिलाची हाजिर कर दी सोपिलाची हाजिर कर दी साथ में